अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। बात हो जाएगा, सर ने बोल रहा है ना, उतर जाइए भाई। अरे इनसे बात कीजिए, इनसे बात कर। हम लोग फोन कर रहे थे जेल सुपरिटेंडेंट साहब को, फोन उठा नहीं रहे हो कंटिन्यूअसली। हमारी बात हुई है 5 बजे के बाद, मैंने किसी भी परिस्थिति में लोग नहीं मिलवा सकते। ठीक है, दोपहर से लोग फोन करवा रहे हैं, हम लोग लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं। और जेल मैनुअल्स में ये है कि परिवार के लोग अगर मिलना चाहे, इसके बारे में बेहतर वही बता सकते हैं, हम तो नहीं बात तो हो पाएगी तब तो बात। सर फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं ना, उसमें देखिए उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। अगर आपके थ्रू अगर बात हो जाए तो ठीक है, जैसा कहेंगे हम लोग कोई उनके आदेश का है, लेकिन पालन नहीं किया। जेल मैनुअल के बारे में ज्यादा हमसे, अब देखिए इतना दूर से हम लोग आए हैं कैंपेन वगैरह करके इतना महत्वपूर्ण समय पे, और तबीयत उनका ठीक नहीं, आप बेटा होने के नाते तो 5 मिनट भी मिलवा दीजिए उनसे। नहीं मतलब हम लोगों के लेवल से तो नहीं संभव है, पॉसिबल है आपसे। ताकि साजिश ये है कि हम लोग जो मुलाकात जो करने का जो आज दिन है वो हम लालू जी से मुलाकात ना करें। एक तो हेलीपैड इतना दूर वो हमको जानकारी में नहीं है कि क्या वजह है, जो भी वजह है, लेकिन जब एक्सटेंशन का परमिशन मांगने गए तो 2 घंटे क्यों लगाया गया। और लगातार हम उसी दौरान से हमको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तब से हम जेल सुपरिटेंडेंट के फ़ोन जो है प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि 5 बजे से पहले हम ना पहुंच पाए। और उसी बीच आपको पता है कि हेलीकॉप्टर आने में देरी इसलिए हो गई और वापस परमिशन ATC का नहीं मिला हमको पलामू से रांची आने का, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था, पूरा अंधर तूफान भर रस्ते हुआ, इस वजह से हमको परमिशन नहीं मिला। तो हम तो लगातार जो मेरी जिम्मेदारी थी, इतने दूर से आए, इतने महत्वपूर्ण समय में पिताजी बीमार हैं, तो एक बेटा को तो मिलने का मौका मिलना चाहिए। तो हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो अनुमति है कम से कम आप हमको 5 मिनट 10 मिनट या कल सुबह जो एज अर्ली हो सकता है आप हमको दे दीजिए। और जेल मैनुअल के हिसाब से ये है कि परिवार या रिश्तेदार को लोगों को मिलने का जो मौका है वो जेल सुपरिटेंडेंट आधार कर डिसाइड करता है कि कौन से समय कौन से ऐसी कौन सी आपत्ति आ जाएगी। हम महीना में 2 महीना में एक बार यहाँ आते हैं, हम परिवार के लोग हैं, हम हर हफ्ते तो यहाँ नहीं पहुँचते, हर सैटरडे या हमारे परिवार के लोग हर शनिचरवार को तो नहीं पहुँचते। तो जब जेल सुपरिटेंडेंट के हाथों में ये है एज पर जेल मैनुअल, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है कि एक पिता जो बीमार है अस्पताल में है हम उसको देखने तक नहीं जा सकते, तो ये परमिशन जो है ये देना चाहिए था। अब देखिए अब झारखंड प्रशासन किस प्रकार का रवैया अपना रही है, क्या है नहीं है, इस चीज़ों को देखिए पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। यहाँ मिलना मिलाना का मौका, अब हम आए हैं अभी एयरपोर्ट पे लैंड किया, अब हम आए हैं यहाँ है कि चलो एक बार सामने उठाए तो कम से कम वहाँ जा कर के बात कर लेंगे, पहुँचे भी अगर कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा। और अभी यहाँ देखिए जो इंचार्ज है उनसे भी हमारी बात हुई साथ साथ, तो वो भी कह रहे हैं कि उनसे बात की जाए, लेकिन बात हो की कैसे, परमिशन मिलेगा कैसे जब बात नहीं होगी, तो कम से कम संपर्क करने में क्या दिक्कत है, हमसे बात हो जाती है, हमसे बात करने में मिलाना नहीं मिलना नहीं देना परमिशन ना दे, लेकिन एक वजह बता दे और कम से कम फोन तो रिसीव करें, मतलब डिलीवरेटली फोन रिसीव नहीं किया। अब ये तो उनसे आप पूछिए कि क्या है, अब बेचारे वो भी क्या करेंगे जी, उनके आका जो लोग हैं आप तो जानते ही है ना, उनके हिसाब से नहीं चलेगा तो अच्छे अच्छे CBI डायरेक्टर बदलेंगे, तो जेल सुपरिटेंडेंट कौन है आप जानिए ना। हम रांची फिर आएंगे कि नहीं आएंगे, हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इस बारे में सोच रहे हैं। और जब पिता के साथ जब अच्छा व्यवहार ना हो रहा हो, बीमार हो, अस्पताल में हो, एक नॉर्मल जो कैदी भी जो रहता है उसको भी मिलने का, मुलाकात की लोगों को दिया जाता है मिलने का।